25 सितंबर को शुरू हुआ सियासी घमासान बयानबाजी के साथ एक बार फिर से नए सिरे से छिड़ गया है और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विधायक दल की बैठक रद्द करवाने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन की मांग और गहलोत पर कटाक्ष करने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। पायलट ने फिर कहा कि आलाकमान को राजस्थान को लेकर अब जल्द फैसला करना चाहिए और पार्टी और संगठन से खिलाफत करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन पायलट के तीखे हमले पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महेश जोशी ने पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 25 सितंबर को शुरू हुआ वो सियासी घमासान तो आपको बखूबी याद होगा। जयपुर में विधायक दल की बैठक से पहले मंत्री शांति धारीवाल के घर विधायकों की एक समानांतर बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद गहलोत गुट के विधायक सीएलपी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली से आए पर्यवेक्षक वापस लौट गए थे। लेकिन इन दिनों शांत हो चली राजस्थान कांग्रेस की सियासत में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान ने फिर से हलचल मचा दी है। गुढ़ा ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रदेश में विधायक दल की बैठक जल्द बुलाने की मांग की है। गुढ़ा ने राजनीतिक बगावत के लिए जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासन समिति की ओर से जारी नोटिस के बाद अब कार्रवाई की मांग की है। गुढ़ा ने कहा कि अगर एक्शन होगा तो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को यह पता चल सकेगा कि अनुशासन से ही पार्टी चलेगी और बगावत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक महीने से ऊपर का समय निकल गया उस बात को, और इसमें सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मेरा तो यही कहना है कि आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ क्या कर दी। पायलट को एक बार फिर मौका मिल गया गहलोत पर तंज कसने का। दरअसल मंगलवार को मानगढ़ धाम में पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ की थी। इसके बाद पायलट ने सीएम गहलोत पर तंज कसा। पायलट ने कहा कि पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, जिसका नतीजा हम सभी ने देखा था। साथ ही सितंबर वाले सियासी घमासान की ओर इशारा करते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी में हर किसी के लिए अनुशासन समान होना चाहिए। एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे। इन सबके बीच अलवर दौरे पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि 2023 को देखते हुए किसी को भी ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। हालांकि सीएम ने सचिन पायलट का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। गहलोत ने आगे कहा कि एक तरफ हमारे नेता लाखों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं, ऐसे में हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सरकार रिपीट करने पर होना चाहिए। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी अभी जो है जो अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने काफी कहा बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पड़ने चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाए। पूरे मामले पर महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह हाईकमान के आदेश की पालना करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि मैं नहीं समझता मुख्यमंत्री ने कोई गलत बात की। जोशी ने कहा कि जिस विनम्रता के साथ गहलोत ने माफी मांगी, उससे उनका कद और बढ़ गया। मैं तो एडवाइजर से बंधा हुआ हूं, मैं तो अशोक गहलोत जी को
अपने निष्ठा साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिस विनम्रता के साथ में माफी की भी बात कही गई, जिस विनम्रता के साथ में अशोक गहलोत जी ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, जिस विनम्रता के साथ में, जिस शालीनता के साथ में, जिन शब्दों के साथ में उन्होंने माफी मांगी, उससे उनका कद जनता की निगाह में बड़ा ही है, कम नहीं है। पायलट गुट और गहलोत गुट की आपसी खींचतान तो जग जाहिर है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजस्थान की सियासत और गर्माती जा रही है। लगातार हो रही बयानबाजी एक बार फिर से सियासी उठापटक की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर कांग्रेस में फिर शुरू हुई बयानबाजी पर बीजेपी